एक का लिया और दूसरे का नहीं लिया। जो इस वक्त हमारे पास जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, मुख्तसरन जल्द जल्दी मैं आपको इनके ग्रामी सुना देता हूँ। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब बैरून पाक गेट, नजर हुसैन वाला भेड़ी कोतरा, सईद मलिक बैरून हरम गेट, सैयद सखावत रसूल कबीर वाला, सैयद मुश्ताक हुसैन हमदानी चक 31 खानवाल, कैसर अब्बास दादवाना कबीर वाला, मोहम्मद हसनैन महला कोकरा, नजर अब्बास चुकताई बोरगेट, मोहम्मद अब्रार खानेवाल, सैयद आसिम अब्बास शाह खानेवाल, सैयद शमीम अब्बास खानेवाल, मोहम्मद रफीक शुजाबाद, सैयद मुश्ताक हुसैन लकवी, बाबुल हवाइज, इम्तियाज हुसैन सदीकी, इमाम भट्ट न्याजी, जवार हुसैन लंगार, सैयद इमरान अली मुल्तान, गुलाम अब्बास सरार बैन, मोहम्मद निवाज आसिम, मोहल्ला दाऊद जवानी जहानिया, अहमद नवाज दाऊद जहानिया, रियाज हुसैन कबीर वाला, मार सफदर तरकर कबीर वाला, सैयद मुसर रजा बुखारी, इमाम बरगा अमीर शाह, हाजी आबिद भुट्टा, वाहिद बखर, खुशीर अहमद साहब, मोहम्मद मुकीम, सैयद फखर हुसैन शाह, सैयद इमरान हुसैन शाह चौक शाहबाद, मखदूम सैयद तारिक वाह शमसी, जना इमरान पीरजादा, सैयद नवीद अब्बास कबीर वाला, मजाहिर हुसैन सदीकी मुल्तान, सफदर हुसैन खान खानगर, मुजाहिद अब्बास कबीर वाला, गुलाम अब्बास बलोच जलालपुर, खालिद अब्बास कबीर वाला, शहजाद हसन कबीर वाला, सैयद आसिफ शाह हैदरी कमेटी, सैयद सजाद हैदर हैदरी कमेटी, राहत बुखारी हैदरी कमेटी, काजी अख्तर अब्बास कशीद राय, हसन रजा जंग, अब्बास रजा रजा आबाद, इजाज हुसैन इमाम बरग जैनबिया, इकबाल हुसैन इमाम बरग जैनबिया, सफदर हुसैन इमाम बरग जैनबिया, हुसैन आबाद, बिशारत अब्बास गुलगज, सजाद हुसैन मुतवली इमाम बरग, अलाबाग शाह सूफी भट्ट, नियाज हुसैन भगसी मुजफ्फरगढ़, हुसैन अब्बास लंगा बीबी पाक दामन मुल्तान, चौधरी मोहम्मद मुसरत हुसैन लहसनदार दौलत गेट इमाम बरगा, हुसैन अब्बास जवाद हुसैन दौलत गेट, मार अल्ताफ हुसैन कबीर वाला, गजनपर अब्बास नकवी मुजफ्फरगढ़, सैयद मोहम्मद अली नकवी मुजफ्फरगढ़, फैज अली दौलत गेट, जफार हुसैन लंगा मुल्तान, जाकिर जैक मुबार सकी, अली कासिम नकवी मुजफ्फरबाद, ख्वाजा इम्तियाज हुसैन जलालपुर पीर वाला, स्टैंड डाक खानेवाल, सैयद नासिर अब्बास, मार इशवाक हुसैन हुसैन आबाद, नासिर मेहदी, मार गुलाम अब्बास तरगर, जहूर हुसैन शिया मियानी, मुबशर हुसैन भुट्टा कबीर वाला, अल्ताफ मेराली कबीर वाला, शहबाद हैदर कबीर वाला, गौहर रजा कबीर वाला, सैयद सदा हुसैन कोट अदू, अजहर खान लंगा बहादुरपुर जलालपुर, असद रजा जलालपुर पीर वाला, मलिक इजाज हुसैन दुनियापुर, मोहम्मद सदीक दुनियापुर, अली अहमद हसन सदीकी झेक मल्ला नासाबाद, तनवीर लंका शाहम जवार, सज्जाद हुसैन खानगर, आवा गुलाम अब्बास, गुलाम कादिर कबीर वाला, सैयद हसन शाह मियाँ चनू, लाल हुसैन पाक गेट, सैयद औन अब्बास मुल्तान, खलीफा नसीर बख्श, रियाज हुसैन आबिद हुसैन, सैयद शौकत अब्बास गर्देवी, जावेद अंजम, मिर्जा जमीर हसन इमाम बरगा, शागिरदेन सहावत अली, न्यू शंकर जे, मुबशर नकवी, न्यू मुल्तान चौधरी, हाजी सिराज अली, कसर सकीना, नायब हुसैन जलालपुर, कफैत हुसैन जलालपुर पीर वाला, नजीक कासिम जाफरी महल्ला जाफरिया, सैयद हसन रजा मशादी, असान लाल शाह, सैयद नासिर अली गर्देवी, शाह यूसुफ गदे, सैयद आशिक अब्बास चौक शाहबाद, ख्वाजा साजिद हुसैन जलालपुर, तालिब हुसैन मदा हुसैन महल्ला हुसैनाबाद, मलिक मोहम्मद हुसैन अलंग दौलत गेट, सैयद अली कासिम गदेवी, शाह यूसुफ गदे, सैयद मैसम गदेवी, शाह यूसुफ गदे, सैयद तैयर अब्बास बुखारी खानगर, मलिक मुख्तार हुसैन खानगर, सुलेमान खान खानगर, मुजीब खान खानगर, इलियास खान खानगर, अकील अब्बास मदरसी मुजफ्फरगढ़, अल्ताफ खान खानगर, हाजी आबिद हुसैन मुल्तान, नासिर अब्बास सद्दीकी मुल्तान, अनीस हैदर तकवी मुमताजाबाद, सैयद अजहर गिलानी मुल्तान, डॉक्टर सफदर हुसैन कचाला जलालपुर, मलिक अली अली रजा इनायतपुर महोता, सैयद तकीर अब्बास शाह, सैयद गुलाम शहबाज शमसी मौजा बाकिरपुर पीर, जवान हुसैन शाह मोहम्मद दीन दुनियापुर, मुश्ताक अहमद दुनियापुर, सिकंदर हजार सैबुलजमान गुलगश्त, मार जफर इकबाल अस्ताना हैदरी, मलिक मंजूर हुसैन सुल्तान मोहम्मद, मोहम्मद अली खान खानगर, आरिफ अख्तर कादमी गुलगश्त, कैसर मैदी गर्देवी हामिदपुर, डॉक्टर नैयर अब्बास शाही चावन, फिदा हुसैन गलवी दोकोटा मेरसी, तालिब हुसैन न्यू सेंट्रल जेल, इमरान हैदर शमसी दरबार की, बहादुर अली शाह, सैयद मुनवर अब्बास शमसी, सैयद इमदाद हुसैन शाह दरबार, सैयद बहादुर शाह मोहिपुर, हाजी मता इमदाद हुसैन जलालपुर, लतीफ हुसैन नकवी दुनियापुर, गुलाम मुस्तफा खान बोसन रोड सुलम पास थला सरदार, मलिक मुश्ताक हुसैन कबीर वाला, मोहम्मद अली रिजवी कैंट इजाज सुमरा दौलत गेट, मुजाहिद हुसैनी दौलत हुसैनाबाद सूफी भट्ट, खावर अब्बास कबीर वाला, शमसुल हसन खानगर, सैयद ताहिर अब्बास अल्लाह बचाया खानगर, सैयद सकलैन अब्बास राय सद्दू, साजिद हुसैन फाजिलपुर, काजिम इम्तियाज जवादिया, काजिम हुसैन फाजिलपुर, मोहम्मद उमैर अब्बास कस्बा मरल, सैयद अशरफ शरफ शाह कस्बा मरल, अल्ताफ हुसैन मुल्तान, सैयद अलमदार हुसैन मैरसी, सैयद आसिफ रजा मैरसी,
सैयद नजर हुसैन शाह शियाबियानी, सैयद कामिल हुसैन दौलत गेट, सैयद अमजद अली शाह थला सदात, सैयद अजहर काजमी गुलगश, कासिम अली भट्टी मुल्तान, राणा जहीर हुसैन गाजियाबाद, हाजी सरफराज हुसैन शमसाबाद, तारिक जावेद शमसाबाद, नासिर रजा खूनी भोज जवाहर हुसैन जलालपुर, जफर हुसैन मोची पनवा जलालपुर, महाज मोहित अब्बास पहलवान, सैयद अजदार हुसैन बाकिरपुर, सैयद फहीम शिराज, नईम शहजाद, मुख्तार हुसैन मजहर अब्बास, मुबशर अली इमदाद हुसैन, नजीर अहमद कोहर अब्बास जैदी, मुबशर हुसैन सुप्रीवट, अमीर हैदर कबीरवाला, सैयद आफ्ताब करीम गर्देजी, सैयद रजा हसन गर्देजी, सैयद आसिफ रजा गर्देजी, गुलाम शबीर साकी, जाकिर हसन अली करबलाई, सैयद अजहर मल्ला हुसैनाबाद, मलिक अतर खिजर अब्बास खाकी शुजाबाद, हसन अजा शुजाबाद, मोहम्मद अहमद चुपतई सफदर अब्बास शमसी कबीरवाला, मुलादिन हुसैन गाजियाबाद, मार सजाद हुसैन कबीरवाला, मार मोहम्मद अली दादवाना, मियाँ हासन सरदारा। इसके अलावा अगर किसी के नाम रह गए हैं तो हम उनसे माजरत खा हैं। ये आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम आपका तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सैयद अली सैदत नकवी साहब से कि तशरीफ लाए और अपना मुख्तसर खिताब फरमाएं। सैयद अली सैदत नकवी। मुख्तसरन मैं दो तीन बातों पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो यहाँ पहले तो हो चुकी हैं और वो हमारे ज़ाती हैसियत में हैं। एक पहले बात हुई यहाँ पर इदारों के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, दूसरी बात हुई ज़ाकरीन के हवाले से। सिर्फ दो पे मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इतराज़ किया गया कि एजेंसी वाले नहीं पकड़ते, इदारे वाले नहीं पकड़ते या पुलिस हमसे तआवुन नहीं करती। मुझे ये बता दें कि कौन बंदा अपने केस में अपनी जगह स्टैंड किया है, कितने बंदे शहीद हुए हैं, कितने बंदे मुतई बने हैं और कितने आदमियों ने अपना केस लड़े, दरमियान में छोड़ के भाग जाते। एक सेकेंड अब जब आप किसी जगह गवाह पेश नहीं करेंगे, आप मुद्दई पेश नहीं करेंगे और दरमियान में छोड़ के भाग जाएंगे तो कैसे होगा? इसमें बार्गेनिंग होती है, हमें पता है कि अदालतें छोड़ दी हैं, लेकिन आप मुकाबला तो करें। मेरे ऊपर दो दफा अटैक हुआ, हमने दोनों केसों में मुकाबला किया, स्टैंड तो करें। आप इधारों को भी मजाना उठाए, आप अपनी किताब को भी देखें। नंबर दो, अभी बात हुई जाकिरीन की, ऐसा कुछ तासुर पैदा किया जा रहा था कि शायद है कि भाई ये कोई लाठी बनाई जा रही है जाकिरीन के खिलाफ, हम अभी जद्दोजहद करें। ये सिर्फ और सिर्फ जाती मसला है उसका मेजबान का कि वो कितने पैसे देता है। वो पैसे देने बंद कर दे, जाकिरीन पैसे लेने बंद कर दे। बहुत अच्छे कासमी साहब है, 50 आदमियों को बुलाते हैं, इनके पास पैसे हैं वो देते हैं, जब इनके तो पैसे खत्म हो जाएंगे बुलाना छोड़ देंगे। आप भी ऐसा करें, आपके पास अगर पैसे हैं तो दे दे भाई, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ना बोले किसी जवाब साहब बैठे या फिर वाले साहब आप उनको बुला लें। आप जाती ऐसे होते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम किसी को इसका जिम्मेदार ना करें, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कि हम कम फीसें दें, हमको बुला लें। हमें बड़ा अफसोस है कि भाई कुछ जाकिरीन ने कुछ बातें महसूस की हैं इस बात को। हम ये अलग अलग कहते हैं कि हम कतन जाकिरीन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, किसी स्टेज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ मिलाना चाहते हैं, मेजबान अपने आप को ठीक कर लें, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए। तीसरी बात की गई यहाँ पर वो किरदार के हवाले से, वो सैलानी के हवाले से कुछ वो बात की गई। मुझे अफसोस है कि वो इस किस्म की बिस्तर सुबह, ये मकसद नहीं था इस बात करने का। और मतलब है कि हम ये समझते हैं जो आले मोहम्मद का मानने वाला है उसका किसी का किरदार गलत नहीं है, चाहे वो मर्द है या औरत है। ये तासुर दिया जाए कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई किरदार के हवाले से कोई परेशानी है या कोई है, नहीं है भाई, ऐसा कोई किरदार नहीं है, कम अज कम शियों में नहीं है और किसी में हो तो हो। जो आले मोहम्मद का मानने वाला है उनका बिल्कुल किरदार साफ है। मेहरबानी। ये मौजा मोहरीपुर सैयद बहादुर अली शाह
बुजुर्ग की जो खंदा वहां से आए हैं, सैयद सफदर हुसैन शाह साहब शमसी और गुल हसन सदीकी मोहल्ला झीक नासाबाद से, उन्हें भी खुश आमद कहते हैं। गुजारिश ये है कि अब हम इन्हें इस आज के तशरीह लाएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। मारूफ आजादार जनाब सैयद अजहर हुसैन काजमी साहब। मैं ना तो कोई सदीप हूँ, आज जिंदगी में मेरा ख्याल है कि 40 साल पहली दफा माइक पे आना वो भी बातें हैं जो मतलब इस तमाम जो है मैंने बड़े अब लास्ट भी पिछले चंद दिनों में मुजाहरा किया गया जरदारी के घर के बाहर गिलानी की कोठी के बाहर, जिसमें तकरीबन 200 या 300 लोगों का मुमिन शरीक थे। और उसी दौरान में यहाँ एक बहुत बड़ी तारीख की मजलिस हो रही थी जिसमें पांव रखने की भी जगह नहीं, किसी मौलवी किसी जाकिर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो एक रात आ रहे मजम्मत ही पेश कर दे या उन मरुमीन के लिए खुले फाते ही पढ़वा दे कि जनाब ये जो वहाँ एक नजायज कारोबार हुआ है उसके लिए खुले फाते पढ़ दें। वो आए 45 मिनट उन्होंने पढ़ा और गाड़ी में बैठे हैं और पीओ और वहाँ मतलब इतना भी क्राउड नहीं था कि उसे मीडिया की आंख देख सकती। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी कौम का ना कोई टीवी चैनल है, ना कोई अखबार है, ना कोई मैगजीन है वीकली मंथली बेसिस पे, इसकी तरफ तमाम हमारे जुड़ी पंजाब के बानियान आए हुए हैं, कोई कमेटी बनाए हैं, कोई मतलब है हजरत होगी। अब ये देखें कि जो दावत इस्लामी वाले हैं उनका एक चैनल मौजूद है, अर रहमान वालों का चैनल मौजूद है, पीएसटीवी वाले मौजूद है, 24 आवर वो अपने गीत गाते रहते हैं, नहीं है अगर कोई चैनल है तो वो शिया कौम का नहीं है। हमें मतलब है मुल्तान से बाहर की खबर अगले लम्हे पता ही नहीं चल सकती कि हमारे साथ जो शिया मोमिन खानगढ़ के हैं उनके साथ बनी क्या, ना कोई बताने के मतलब उस पोजिशन में होता है, सिर्फ रह दे के हम जो छापते हैं वो इमामिया जंतरी छापते हैं साल के साल जो वो 100 रुपए की जो है वो आगे भेज देते हैं। तो मतलब है ये जो है तमाम जो हमारे मुगल सरबाने इमामियान हैं और जो तमाम आए हुए हैं उन्हें मतलब ये तीनों चारों चीजों के बारे में गौर करना चाहिए कि लाखों रुपया जो दे दे के हम जो मतलब है वहां का ये मौलवी और जाकरीन है इनके देखें जी मजलिस आई है बानी है मजलिस अपनी जमीन बेचे घर बेचे बिजली बच्चे बेचे उसने मजलिस करानी करानी है और उसने पैसे अपने नोट गिन के और मौलवी ने अपने घर से ले जाना है। तनकीद नहीं है ये मतलब है एक जो है फिक्र की बात है। अगर यही पैसा कौम किसी अच्छी राह में लगाए कोई चैनल बन जाए कोई मतलब उसका तबलीग हो खबरें हो पूरे पाकिस्तान की शियों के बारे में पता लगे कि कहाँ मर रहे हैं हजारा की न्यूज मुझे बताएं कितने आप लोगों के यहाँ बैठे हैं कितने लोगों को पता है। तो ये जो मीडिया के हवाले से जो है ना मेरी गुजारिश होगी आप सब तमाम जो ये मौजूदगी है कमेटी के कि उसके बारे में जरा गौर फिक्र करें ताकि जो है ये हम भी जो है ना इनकी सब से शामिल हो सके जो ये दूसरे बल्ले करी गुजारिश आपकी बहुत मेहरबानी। थे बहुत अच्छा उनका ये पॉइंट था मीडिया के हवाले से। हादी चैनल जो कराची में चल रहा है वो शिया चैनल है, सच एक चैनल है वो भी चल रहा है, लेकिन मुल्तान में जो आपके 200 रुपए कम से कम एक चैनल वाला एक कनेक्शन के लेता है, अगर आप तमाम साहबान उसे कहेंगे हमारे ये चैनल चला तब पैसे देंगे, मेरा ख्याल में इंशाल्लाह वो से कोई बात नहीं होगी। एक चैनल अल फुरात इराक से चलता है, मुहर्रम के दिन हमें मुल्तान में ये चलाते हैं, तो अब मैंने उसे कहा कि भी ये चैनल चलाओ,
तो उसने मुझे कहा कि आप कितने हैं शिया घर यहाँ पे, देख कर हम जुलूस ये शुरू कर। मैंने कहा यार फिर हमारा कनेक्शन काट दो, उससे बेहतर यही है। तो मकसद है कि कादमी साहब की मैं इस बात की तायद करता हूँ, बल्कि आप तमाम से कादमी साहब की तायद करवाता हूँ कि आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें कि बजाय हम किसी केबल वाले को कहें कि हमारा ये चैनल चला, सब तायद कहेंगे, बुजुर्ग भी तायद कहेंगे कि आपकी मजलिस में नौजवानों की कमी है, नौजवान नस्ल मजलिस में नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो मौलवी है उनके अंदर इख्तलाफ है, उसकी सुनो वो कहता मैं ठीक हूँ, उसकी सुनो कहता मैं ठीक हूँ। जब ये चीजें यहाँ की तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका नौजवान जो है ना जो बुराई की तरफ फैल रहे। तो खुदारा स्पीकर साहब आप इस अंदाज से बात करें कि सब जो है इस बात से मुतफिक हूँ कि उलमा और जाकिरीन इकट्ठे हो जाए। अभी आपके शहर मुल्तान में सुबह 10 बजे मुनाकिद हो रही है, बहसियत शिया सब हर किसी को जाना चाहिए। जहन में यह न रखें कि ये साजिद नकवी ग्रुप की है, ये हामिद मुस्लिम ग्रुप की है। जहन में ये रखें कि तस्कर अहले बैत है, ये जो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो शिया हैं। जिस दिन आपके जहनों से ये चीज निकल गई इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आपका दुश्मन ऐलान मेरे सर दिमाग में गूंज रहा है कि जी डेट का अलाउंस है, वो अभी हम करते हैं इंशाल्लाह। इसके तजवीज है, मैं अभी आपको दूंगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नवाजिदुल्लाहु लिज़ुल्क़िबा अंतुम रिस्ता अहलल बैत वलिताहिरतिन तत्तीरा सबसे पहले जनाबे सैयदुन्निसाइल आलमीन मुबारक। मैं छोटी सी बात से शुरू करूंगा दीदी सैयदा के हवाले से। एक मजलिस अज़ा में एक बड़ी मजहबी बड़ी मुत्तकी बड़ी आप खड़े हो जाते हैं उनके एहतराम में, क्या वजह है? आप बाप हैं, वो बेटी है, फिर आप पैगंबर हैं, खुदाबंदी है, ये हुक्म खुदाबंदी है कि मैं ज़हरा के एहतराम में खड़ा हूं। यहां बहुत सी बातें हो रही हैं, मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है, काफी देर से मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था, मैंने खिताब नहीं करना, ना मुझे खिताब आता है, थोड़ा सा हो गया कि जमाने में करते थे, जज्बाती लीडर हुआ करते थे, स्टूडेंट लाइफ में फिर सर्विस में आ गए। आज मैं एक अफसानदार की हैसियत से, एक अजादार की हैसियत से आपके सामने हाजिर हूं। वो मसाइल जो अजादारान सैयद शहदा को इस वक्त इन और आशूब हालात में दरकार हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपसे आज इस बात का अहद लेंगे कि आप इन मसाइल के हल के लिए यकजान होकर काम करें उस फरमाए मौलाए कायनात पर, जब मौला अली अलैहिस्सलाम बवक्त शहादत इस दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ लेकर जा रहे थे तो आपने अपने दोनों शहजादों को बुलाया, बल्कि सबको बुलाया, शहजादगान को 18 दिन सबको बुलाया और कहा कि बेटा उसी तुम बितकवल्लाह व नज़्म अमरिकुम, अपने अमूर में तकवा और तंजीम पैदा करो। मैं आपको दावे से कहता हूं खुदा की कसम मौलाए कायनात का ये कामिल तरीन कौल अगर हम इस पर अमल करें तो कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत हमें अज़ादारी सैयद शहदा को बर्पा करने से रोक नहीं सकती। हम नहीं कर रहे हैं, बड़ी इसमें बड़ी बात है तकवा और तंजीम। तकवा क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का पैगाम दुनिया को देना और खुद भी उस पर अमल करना। तंजीम क्या है? मुनज्जम होकर कौम बनकर, अरे कौम बनो, वो कौम है वो लबनान के लोग। मैं मिस्र में गया, 99% मालिकी सुन्नी रहते हैं, कहते हैं कि हमारा लीडर अरबों का हसन नसरुल्ला है। खुदा की कसम मैं इस बात का गवाह हूं, मैं मिस्र गया, मैं अभी यूनाइटेड नेशन में एक साल काम करता रहा हूं, मेरे साथ 6 अरब मुल्कों की पुलिस काम कर रही थी,
सारे शियों के खिलाफ थे। इसको बताया जाता था, कहते थे ये राफजी हैं, ये हैं। लेकिन आप देखें किरदार लबनानी शियों का और हसन नसरुल्ला का, कि सारे मजबूर थे हसन नसरुल्ला को अपना कायद मानने के लिए। ये मौला के फरमान की सही मानों में हसन नसरुल्ला और उसकी कौम, वो ईरानी अहमदी नजाद और उसकी कौम, यार ये लोग कोई ऊपर से नहीं उतरे हुए, ये फरिश्ते नहीं है। ये मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं एतराज कर रहे थे अभी पीरजादा साहब ने कुछ बातें की, भाई ये खामियां हैं हम में, मत इस पे नाराज हो। लबनान के लोग सन 1970 में, लबनान के शिया 40% है उसकी आबादी का, दुनिया का उस इलाके का सबसे बड़ा चकला, ये किताबों में लिखा है, पढ़े लबनान किताब, लबनान किताब उठाकर पढ़े, जिसको प्रोफेसर हसन अब्बास ने और मुस्तफा चमरान की वो किताब है, उसको उसका तर्जमा है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, बड़ी मशहूर किताब है, शिया मल मलेशिया उस वक्त थी, पढ़े उसमें, उस वक्त उन लोगों में लबनान के सबसे बड़े चकले की सबसे अंदर काम करने वाले लोग कौन होते थे। लेकिन जब लबनानी जागे हैं आज, आज वही ताकत है। मशरे के वुस्ता, जब अमेरिका नक्शा चेंज करना चाहता था मशरे के वुस्ता का 2006 में, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, वो नहीं कर सका हसन नसरुल्ला की वजह से, लबनान के मोमिनों की कुवत की वजह से। जब लबनान के मोमिन जागे हैं, मुत्तहिद हुए हैं और इख्तलाफात भुलाए हैं, वहां भी ग्रुप था, शिया अमल है, हिजबुल्ला है, ये फला है, ये गाली है, ये अली का मानने वाला, ये अली को अल्लाह कहता है, ये अली को कुछ, भाई इन चक्रों से निकलो, ये साजिश है विलायत अली के खिलाफ। अली अलैहिस्सलाम का हर शिया, हर जाकिर, हर आलिम, हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा, हर जवान जो असना अशरिया है, वो अली की विलायत का इनकार नहीं कर सकता। वो शिया नहीं है, वो शिया ही नहीं है जो अली की विलायत का इनकार करे। अली अलैहिस्सलाम इस कायनात की अफजल तरीन हस्ती है, वो उनसे बढ़कर कोई अफजल हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई कुछ रहम करो, खुद वो मौला अपने आप को नहजुल बलागा में उस मालिक के परवरदिगार के सामने पेश करके कहते हैं कि ऐ परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं, तो मत इन इख्तलाफात में पड़ो, मत ऐसा काम करो जिससे सैयद और शहदा की आजादारी खतरे में पड़ जाए। इस वक्त आप लोग, मसला तो यही है ना कि आप लोगों को इल्म ही नहीं है, आप लोगों तक बात ही नहीं पहुंचती, या पहुंचती है तो फिर आप सुमन बुकमन ओम जन फाहम लायर के उनकी तरह इधर उधर वो कर देते हैं। भाई ये क्यों कहते थे मौला अली अलैहिस्सलाम, क्यों कहते हैं नहजुल बलागा में कि काश मुझे माविया के सिपाही मिल जाते तो मैं वो करता जो अली चाहता है। अरे मैं कहता हूं कि मेरे साथ जंग करने चलो तो कहते हैं आज गर्मी है। अरे मैं कहता हूं मेरे साथ जंग करने चलो तो कहते हैं आज सर्दी है। तो मौला मजलूम भी है, तो वो भी तो शिया ही थे ना, मानने वाले थे ना मौला के, खलीफतुल मुस्लिमीन थे ना मौला उस वक्त, अमीरुल मोमिनीन थे ना, उनका हुक्म हर मुसलमान पर फर्ज था ना, तमाम गवर्नर मौला के लगाए हुए थे ना मौला के दौर में। तो मौला जब हुक्म देते तो लोगों का ये जवाब आता है, तो मत बनो ऐसे लोग, मत उस साजिश का शिकार हो जाओ जो ये करके आपके अंदर फैला रहे हैं। दो साजिशें हो रही है इस वक्त शियत के खिलाफ और उससे शियत कमजोर होगी। देखें 1400 साल तक आप हिस्ट्री उठाकर देखें, मैं आपका वक्त ले रहा हूं, नाराज ना होइएगा, 1400 साल से आज तक इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की एक मुकम्मल इस्लामी अली वालों की रियासत 1400 साल में नहीं बनी। ये 1979 में खुमैनी एक बुद्धिदम था जिसने ये काम पूरा किया 1400 साल बाद। ये वो हुसैन का मानने वाला था, ये वो अली का फर्जंद था जिसने वो काम किया, और वहां पर सही मानों में ईरान का आइन जो है वो फिकई शरई शियई इस्लामी आइन है, अहले बैत के मानने वालों का आइन है। तो ये तकलीफ थी भाई, ये तकलीफ पैदा हो गई इन लोगों में, तो दुश्मन अली है, सही मानों में जो दुश्मन अली है, जिनको बॉम्ब है, उन्होंने साजिशें शुरू की ईरान के साथ साथ जितने भी ममालिक थे, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के शियों को उन्होंने कहा, उनमें इख्तलाफात पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि आप लोग बैकबोन है ईरान के इस्लामी इंकलाब और उस हकूमत को या उस रियासत को मजबूत करने की। अगर कल उस पर कुछ होता है तो आप खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब है वो मारे जाएंगे बेगुनाह। अगर आप खड़े होते हैं तो आप उनका दिफा करेंगे। आपको तोड़ने के लिए ये साजिशें की जा रही हैं कि खड़ा कर दो मसला शियों में अली वलीउल्लाह का,
खड़ा कर दो ये मुकसर है, ये गाली है, खड़ा कर दो कि तुमने इसके नीचे से गुजरना है तो अजादारी होगी, नहीं गुजरोगे तो तुम अजादार ही नहीं हो। अरे बेहतर है हमसे वो अजादार। खुदा की कसम मैं अहले सुन्नत भाइयों को मुल्तान के 70 रसमदारों को सैल्यूट करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने सिपाह साहबा लगते जल्दी की धमकियों के बावजूद मौला हुसैन की अजादारी कायम कर रखी। वो लोग हमसे ज्यादा मुकद्दस और काबिल एहतराम है, ये वो सुन्नी नहीं है भाई। अगर मैं आपको बता रहा हूँ अजादारान हुसैन का कोई मतलब नहीं, अजादारान हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ अजादारान हुसैन। मत कहो, मत तकसीम करो अजादारों को, शिया सुन्नी बरेलवी अली वाला नॉन अली वाला कोई नहीं है, सब मानने वाले हैं हुसैन के। अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर तो कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। ये गाली और मुकसर की जो जंग हो रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? स्टेज हुसैन ये बड़ा अहम होता है, इस पे आने वाला इस काबिल भी होना चाहिए, इस पे आने वाला इस काबिल भी होना चाहिए। अरे पैगंबर किस स्टेज पर बैठा करते हैं? पैगंबर की आल स्टेज पर बैठा करती, आपने कौन से लोग बिठा लिए यार? मत करें ऐसा, मत करें ऐसा। वो लोग बिठाएं जो हकदार हैं, वो लोग बिठाएं जो स्टेज हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने के हकदार हैं। आपको पता नहीं है क्या क्या साज हो रही है दूसरे पास। क्वेटा के अंदर आपको पता है, क्वेटा के अंदर हजारा ट्राइब के खिलाफ 25 मोमिनीन की एवरेज है साल में, 25 मोमिनीन, 25 अजादारान हुसैन हर महीने मारे जाते हैं। पारा चिनार के अंदर 4 साल तक कैफ्यू रहा है, पारा चिनार के मोमिनीन अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हैं आप? रियासत के अंदर रहने वाले लोग, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तान के बाहर से आते हैं। अफसोस, ये हमारी कमजोरी है ना। क्वेटा के लोग अभी यहाँ पे टीवी चैनल और मीडिया की बात हो रही है। अरे भाई आप टीवी चैनल नहीं बना सकते, आप मत बने शियों का चैनल, आप कमर्शियल चैनल बने। आप चैनल वालों को से टाइम खरीद ले, 2 घंटे का टाइम। आप एक जाकिर और एक मौलवी को 42,000 और 50,000 देते हैं, लेकिन मैं मखसूस नहीं कर रहा, ना ये इतना जाकिरों के खिलाफ है ना ये मौलवियों के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो खून हुसैन को बेचते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ है जो खून हुसैन को बेचते हैं। शुक्र अदा करो, ये हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो तुम लोगों का नाम ऊपर हुआ हुआ है, तुम लोगों की दुकानदारियां चमकी हुई हैं, मेरी भी दुकानदारी चमकी हुई है। मैं जाकर एसपीओडीसी के साथ चाय पी लेता हूँ और खुश होकर आ जाता हूँ कि मैं अस्तानदार हूँ और 2 महीने और 12 दिन इंतजामियों को ब्लैकमेल करता हूँ। अरे भाई कहाँ बैठे हो? इस मुल्क की 15% आबादी है आप और 85% इंतजामिया उस मजहब से, उस फिक्के से ताल्लुक रखती है, वो 2 महीने 12 दिन 24 घंटे वर्दी पहनकर आपके साथ आपके तहफ्फुज़ के लिए ड्यूटी देते हैं और आप उनको गालियां देते हैं, आप उनको ब्लैकमेल करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर बात करें, ऐसा तावन करें उनके साथ, उनके यहाँ भी कमजोर लोग हैं, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती है, वो तो फरिश्ते नहीं है जैसे आप नहीं है। उतना मांगे जितना आपका हक है, ऐसा मत करें कि लोग मुकम्मल तौर पे आपके खिलाफ हो जाए। ये तैयारी हो रही है आपको लड़ने की, 2 तरह की तैयारी है, आपकी कौम के अंदर कि इनके अंदर ये फैला दो कि ये जनाब नमाज में अली वलीउल्लाह अली अल्लाह है, ये फला है, ये फला है, और बाहर से काफिर काफिर शिया काफिर 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 शिया काफिर, ये 2 नारे किसने दिए? मैं जानता हूं उन लोगों को, सबूत है मेरे पास, जो लोग ये दोनों काम करने वाले एंटी पाकिस्तान है, एंटी इस्लाम है, एंटी शिया, इनको पैसे मिल रहे हैं। देखिए उन लोगों के पास अचानक कहां से आ गए डबल कैबन गाड़ियां, उनको सपोर्ट कहां से मिलती है, उनके घर आलीशान कहां से बन जाते हैं, उनको अचानक पुलिस गार्ड मिल जाते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो यहां खड़े होकर स्टेज पर कहते हैं कि हमारे 14 रसूल हैं। अरे खुदा का खौफ करो, आपके स्टेज पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और आप खामोश कहते हैं अभी, यानी कल कोई जाकिर खड़ा होकर, कोई मौलवी खड़ा होकर या कोई बेवकूफ खड़ा होकर ये कहेगा कि जदीद हक पर था, नीचे बैठ कर नारा हैरी लगा देंगे। कुछ तो ख्याल करें भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी है आज के इस मीडिया के दौर में, जब इंटरनेट जाकर देखें, इंटरनेट को कभी आपने यूज किया पता है आपको? आपकी नौजवान नसल ये भी बात कर रहे थे क्यों नहीं आती मजा लेती, अरे कुछ ठोस उनको दोगे तो वो आएंगे।
कुछ उनको दोगे मवाद, उनकी अकल कुछ यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म, इकोनॉमिक्स और माशियात पढ़ने वाले, इंटरनेट देखने वाले, एक एक लम्हे की खबर सुनने वाले, टीवी के टॉक शो देखने वालों को मजालिस में भी उस तरह का इल्म दो ताकि वो बैठकर सुने। ये कोई बात नहीं है कि बस अपनी तरफ से आया, बयान किया और चला गया। क्राइटेरिया बनाओ यार, किसी कंपाउंडर को ये हक हासिल नहीं है कि वो फिजिशियन और सर्जन पर तंकीद करे। किसी कंपाउंडर को ये हक हासिल नहीं है, खुदा की कसम पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसका लाइसेंस कैंसिल कर दे। किसी डेंटल, किसी कंपाउंडर को यह हक हासिल नहीं है कि वो नुस्खा दिख कर दे, वो तजावीज दे। ये डॉक्टर का काम है, और फिर किसी एमबीबीएस डॉक्टर का काम नहीं है कि एक परफेक्ट राय दे, वो स्पेशलिस्ट का काम है, जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। यहाँ से जो हुसैन पर जो भी आता है, चाहे वो कंपाउंडर है, जो भी, वो आकर अपनी राय देता है कि फला स्पेशलिस्ट गंदा है, फला स्पेशलिस्ट कातिल है, काफिर है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, नाराज मत होइएगा, मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो हक है भाई। मुझे ना किसी से डर है, मैं तो मौला का ज़दार हूँ। मेरे आस्थाने पर मुहर्रम के 12 दिन बड़ी भरपूर अज़ादारी होती है, और खुदा की कसम 100 अज़ादारान में से 90 अहले सुन्नत होते हैं मेरे 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 आस्थान पर भाषण करने वाले। ये मेरा लसन साहब बैठा है, मैं उस आस्थान का मुतवल्ली हूँ पिछले 100 साल से। मेरे नाना मरूम थे, फिर मैं हूँ। मुझे फख्र है एक अज़ादार होना, लेकिन अफसोस की बात है कि जो कुछ हो रहा है आप समझ नहीं रहे। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इख्तलाफात की, उन लोगों को प्रमोट करते हैं, मत करें, बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं आप भाई। आप कितने लड़के आपके शिया मोमिनीन जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, हजारों आए मेरे पास। जो मोमिन आप में से इस वक्त इस्तेदाद रखता है, जो एक जाकिर और एक मौलवी को 50,000 में मजलिस देता है, फी मजलिस, वो आज ये अहद करे कि वो 25,000 देगा, 25,000 उन मोमिनों को देगा जो सीएसएस की तैयारी करना चाहते, उन डॉक्टर्स, उन बच्चों को देगा जिनके मेडिकल में 950 नंबर है लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास फीस नहीं। उन बच्चियों को देगा जिनकी शादी के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं आए मेरे पास। मैं आपको ऐसे हजार बंदे दूंगा। अरे इमाम हुसैन अलैहि सलाम के मांगने वाले, इमाम हुसैन अलैहि सलाम के मानने वाली सैयदजादियां, उनकी आल, वो तो गुर्बत में जिंदगी गुजारे, उनको तो रोटी ना मिले, वो ऊंटियों के घरों में जाकर सदके ले, और आप मौलवी और जाकिरों को 50,000 रुपए फीस दें, शर्म नहीं आती हमें? आप मेहरबानी करें, मैं आपको यही कह रहा कि ना करें, करें मजालिस करें, जिक्र हुसैन करें, अज़ादारी सैयद सुहरा भरपूर तरीके से करें, लेकिन उसके तहफ्फुज़ के लिए और जो सही दर्स है सैयद शहदा का, ठीक है ना, उस पर भी जरूर अमल करें। ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये उन अजीम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने खून दिया है, और मुझे भी ये फख्र हासिल है कि मेरे अपने घर से दो शहीद हैं, मुझे ये फख्र हासिल है, और मुझे ये भी फख्र हासिल है कि मैं एक गाजी का बेटा भी हूँ। मेरे फादर ने, मेरे वालिद मोहतरम ने बड़ी जिद्दोजहद की, कैद और बंद की सोखते भी बर्दाश्त की, पाकिस्तान में कितनी नहीं उतनी, लेकिन ये दावा करने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको बताना मकसद ये था कि ये कुर्बानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने खून दिया, शहीद हो गए इस राह में, आज मजहब फिका अज़ादारी सैयद शहदा जिंदा है। लिहाजा प्लीज मेहरबानी करके इन इशूज से निकल रहे, ये जो अब स्टेज पर चल रहे हैं ना, ये अली अल्लाह भाई नहीं है कोई ऐसा इशू। सब विलायत अली के कायल हैं, सब विलायत अली के मानने वाले हैं, सब मोमिन हैं, सब अज़ादार हैं। मत तकसीम करें इस चक्कर में, ये साजिश है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, खुदा की कसम, बकायदा पेमेंट्स हो रही हैं, अमरीकी एम्बेसी से पेमेंट्स हो रही है इसकी। इसके सबूत आपको चाहिए तो आए हमारे पास, गाड़ियां आपको देंगे। बकायदा पेमेंट्स हो रही है इनको भी और उनको भी जो हमें काफिर कहते हैं स्टेज पर आकर, दोनों को पेमेंट्स होती हैं कि जाओ ये काम करो, इनको कमजोर कर दो, लड़ा दो, ताकि जिस वक्त हम हमला करें इमाम जमाना की रियासत पर, यहां कोई आवाज बुलंद करने वाला ना, जिस वक्त यहां वहां हमला हो ना इमाम जमाना की उस मुमलिकत पर, आप में से आप चुके इतने आपस में लड़ चुके होंगे, एक दूसरे को मार चुके होंगे, एक दूसरे के खिलाफ होंगे, मैं इल्लाह इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा हम कैसे इकट्ठे होकर उसका दिफा करेंगे। और उधर देखें
अभी आप चैनल की बात कर रहे थे ना, पीस टीवी देखे तो वो चैनल चलते हैं दिन रात, हर केबल वाला चलाता है क्यों, और उसी चैनल पे आके वो देख रहे हैं जाकिर नायक का कितना बड़ा इस्तेमाल दिखा रहे हो। पहला इमेज पड़ता है जाकिर नायक इतना बड़ा इस्तेमाल, ये तो इस्लाम की तबलीग कर रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उसके मुरीद बनते जा रहे हैं, और वो क्या कहता है, वो कहते हैं यजीद और हुसैन की तो जंग, दो शहजादों की जंग थी ना उसमें। भाई आप बेशुमार, ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है, अमल करें उसके मुकाबले में, उसको उसी तरह जवाब दें, गलत जवाब ना दें, किसी को गाली मत दें, किसी को कत्ल मत करें, हराम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक उनका मानने वाला गया, कहा जाकर मौला आपका फलाम मानने वाला फलाम को यूं कह रहा था, मौला ने कहा उसको कहो कि हम पर जुल्म न करे। मुराद यह कि वो गालियां दे रहा था ना, और भाई तबर्रा का कतल मतलब यह नहीं है कि किसी को गाली देना, तबर्रा का मतलब है इजहार बेजारी करना। अगर मेरा और आपका इख्तलाफ है तो मुझे आपसे ये तबर्रा अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को गाली दी जाए, गाली देना हराम है, कतल शरण हराम है इस्लाम में। आप बताएं हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने किसने, जब उनके किसी बड़े मानने वाले ने, उनके किसी मलंग ने, किसी मुहिब ने, अबू जर ने, कंबर ने, सलेमान ने किसी को गाली दी जो तारीख में कही है, फिर आप क्यों देते, क्यों देते हैं आप गाली? अपना अपना स्टाइल चेंज करें। ये देखिए ग्लोबल वर्ल्ड है, आपके फिल्में बनाते हैं सीएनएन और बीबीसी वाले, फॉक्स टीवी चैनल वाले, देख रहे हैं ये शियत है, क्या कर रहे हैं आपको, जो भी आप कर रहे होते वो दिखाते हैं आपको, पूरी दुनिया में जालिम बेवकूफ नालायक लोग समझे जाते हैं। मैं अफ्रीका में गया हूँ, 6 मुल्क फिर कर रहा हूँ, मैं कोई वहां पे नौकरी करने नहीं गया था, रिस्क कमाने गया, रिस्क के हलाल। आप यकीन करें वहां पर सब सऊदी अरब के पेट्रोल डॉलर से सब लोग बात हुए, शियों का नाम लेना गुनाह कबीरा समझा जाता है। अफ्रीका के मुसलमानों, ये ईरानी है जो जाकर तबलीग करते हैं, लबनानी है जो जाकर वहां पे काम कर रहे हैं, और वहां पर कुछ ना कुछ शियत है। आप तो पाकिस्तान में बैठ के मजे करते हैं ना, नारा लगाते हैं जी हाँ, पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया में पता ही होता है आशूरा के दिन सिर्फ पाकिस्तान में, अगर ईरान और इराक और इंसान मुल्क में मातम होता है, दुनिया को पता ही नहीं होता कि आशूरा है क्या। अफ्रीका में 50 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजान थे क्या थे। मैं वहां रहा हूँ, मुझे पता है आशूरा के दिन वहां रहा। अफसोसनाक बात है, आप लोग देखा उन लोगों से रब्ता रखे जो इल्म रखते हैं, जो मालूम रखते हैं, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये जो ट्रेंड है आपने देना है, ये अभी जिक्र हो रहा था ना कि जनाब जाकिर ऐसा कर देता है, मौलवी ऐसा कर देता है, इतना मौलवी फलां पैसे लेता है, भाई ये ट्रेंड बानियान ने दिया हुआ है। अच्छा कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब ये अवाम भी ऐसी है, और बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हुक्मरान जैसे होंगे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, जैसे हुक्मरान रहते लोग, पहले अपने आप को चेंज करो, यानी बानियान इस मसले में हुक्मरान है। आप जब तक आप शानदार बानियान नहीं रोकेंगे इस ट्रेंड को, उस वक्त तक आवाम भी नहीं होगी, आवाम भी उन्हें दुख दुखी बिठाने वालों को सुनेगी, ठीक है ना जी, आवाम भी उन्हीं को सुनेगी। मत तंकीद करें क़यादत पर, आपको पता ही है क़यादत ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इंसाफ करें उन लोगों का जो कायद पर तंकीद करते हैं। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूं, ना मुझे शौक है किसी की को अपना वो करने का, लेकिन मुझे पता है मैं उस सिस्टम में रहा हूं, अभी तक हैं हम, कुर्बानियां दे रहे हैं। मत तंकीद करें कायद पर, आपको पता ही नहीं था पारा चुनाव जब 4 साल तक बंद रहा, आपको पता था वहां के मोमिनीन को दवाइयां कौन पहुंचाता था, किसने पहुंचाई दवाइयां? आप ऐसे कोई है कसम उठाकर कहें, हलफ देकर कहें, हलफ देकर कहें, मौला गाजी के अलम के नीचे खड़े हैं, आप बताएं चंदा भी दिया किसी ने? 4 साल तक पारा चनार के मोमिनीन को दवाइयां और तमाम इखलाकी और कानूनी मदद देने वाला कायद आज मजलसों में गालियां खाए तो भाई से शर्म नहीं है भाई? चंद दुगदुगी बचाने वाले कल के बच्चे बेअमल, जिनका ना इल्म है ना मैं उनको जानता हूं, उनके पास कुछ है, वो इतने बड़े मुजतहिद कायद पर जिस आजम तारिक का कत्ल का मुकदमा भुगताने वाला साजिद नकवी, जिसने 1 साल जेल काटी, किसी और के खिलाफ मुकदमा बना आजम तारिक के कत्ल का, बताएं मुझे
उन लोगों से पूछा करें, गिरेबान पकड़ कर जुरत पकड़े, अदालत में खड़े हो जाया करें, उनसे पूछा करें कि तुम तो यहां दावे करते हो, कभी गए हो गिलगित में कि अब वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, कभी गए हो हजारा क्वेटा में, खानपुर का मुकदमा कौन लड़ रहा है बताएं, आप बताएं मुझे, थोड़े इसको भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब लोगों से, आप ये अजादारान हुसैन बैठे तो आपका फर्ज है सच को सच कहो, अरे बाबा मौला अली भी तो यही करते थे, सच को सच कहते थे तो नहीं बने, जब बने तो फिर वो किया जो अली खुद चाहते थे, जो अल्लाह पाक चाहता था, तो आप भी ये कैसे कैसे कैसा दावा करते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं और आप सच को सुनते नहीं है और सच कहना नहीं चाहते और झूठ सुन के नीचे से नारा है नहीं लगा रहे होते, क्या यार बात करते हैं आप, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, पूछे उन लोगों से जाकर, उनका हिसाब किया करें, अरे तुम गए हो क्वेटा में हजारा कबीले के पास, या कम से कम यहाँ स्टेज पर खड़े होकर 40,000-50,000 फीस लेकर कोई एक किरारदाद भी पास की है या एक लफ्ज भी मुंह से कहा है, या आए हो और आवाम को बेवकूफ बनाकर और चले गए हो, ना टैक्स देते हो, ना जकात देते हो, ना खुम्स देते हो, ना सबका करते हो, इस तरह रख रहे ये चीजें सारी की सारी खत्म होनी चाहिए। ये अभी कुछ जिक्र हो रहा था कि जनाब हम मुफ्ती जाफर साहब के दौर में बड़े इकट्ठे थे, देखें बात सुने, 1979 में आज से 40 साल पहले, 31-32-33 साल पहले 1979 में ये हालात नहीं थे, आज 1.5 लाख कमांडोज हैं आपको मारने के लिए, ये याद रखें, 1.5 लाख कमांडोज, 1979 में अफगान जिहाद शुरू नहीं हुआ था, ना ही ईरान का इंकलाब आया था, जी क्यों नहीं होता, और बात सुने बैठी आपको, आप बैठे ना, आप इकट्ठे ही नहीं है ना, आप इकट्ठे, मैं उनके बैठे, मेरी बात सुने, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गलत बातें मत करें, एक मिनट मेरी बात सुने, सवार भाई एक मिनट बैठ कर सुने, जब आप लोग बोल रहे थे हम में से कोई नहीं बोला, मैं नहीं बोला, आप मुझे सुने, देखें मेरे कहने का मकसद ये है कि इत्तेहाद करें, मेरे कहने का मकसद यही है कि किसी एक की पैरवी करें, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई एक काम करता है तो उसको एनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें, और जब आप मुत्तहिद होंगे तो फिर सारे मुतालबात भी माने जाएंगे आपके, फिर सारा काम होगा, वरना हुकूमतों को पता है कि ये लोग मुत्तहिद नहीं है, ये ऐसे बातें करते हैं और सब लोग हैं जो काम करते हैं, भाई किसी मौलवी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम लोग बड़े बड़े और सुने बड़े बड़े अच्छे अच्छे जाकिर भी हैं, अच्छे अच्छे मौलवी भी हैं जो खिदमत भी करते हैं, ये गुजारिश सुने, जिसने भी कोई बात करनी है बाद में आके कर ले, ये क्रॉस टॉक ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता, बाद में हर चीज माइक भी है सारा कुछ, मत ये गुफ्तगू खत्म करते हैं तो आप तशरीफ लें, डायरेक्ट आपस में गुफ्तगू से परहेज कर, बाबा से गुलाम तर सलावा, किसी पर कोई तंकीद नहीं हो रही थी, मैं सिर्फ आपको हालात से आगाह कर रहा था, अगर मेरी बातों का किसी के पास मुदल्लल जवाब है तो इस इज्तिमा के पास बैठ कर मेरे साथ बात कर ले, देखें अगर किसी के पास इन बातों का मुदल्लल जवाब है तो मेरे पास आकर इस इज्तिमा